हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेक इफ इन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड या फिर आप कह सकते हैं कि एटीएम कार्ड का एटीएम पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से। तो अगर आपके दिमाग में यहाँ पे ये सवाल आ रहा हो कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर और एक्टिवेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड की और उसके एटीएम पिन की, तो यहाँ पे हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड या फिर आपके डेबिट कार्ड और उसका पिन मौजूद नहीं होगा तो फिर हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम जब पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो बिना पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के हम कैसे पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड के बगैर भी पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग को या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप को इजीली रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप बिना पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड के पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसका वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। वीडियो आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये याद रहे कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर्ड और एक्टिवेट करने के लिए हमें पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने आधार डिटेल्स से भी पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर्ड और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब एक बार हमारा पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप चल जाता है, मतलब एक बार जब हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद हम चाहें तो पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड का एटीएम पिन पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से जनरेट करना होता है, आइए मैं लाइव प्रोसेस में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड का पिन पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेना है, जो कि है पीएनबी वन ऐप। अब इस पे जिसने रजिस्टर नहीं किया हो, जिसने पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर ना किया हो, तो हमारा वीडियो देख लें कि कैसे हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम चाहे तो बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो 4 डिजिट के एम पिन का। तो आइए हम लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होता है, इस तरह से नीचे आना है आपको स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पे आपको कार्ड्स का सेक्शन देखने को मिलता है, कार्ड्स का सेक्शन, और इसमें डेबिट कार्ड का आपको ऑप्शन मिलता है। तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से टैप कर देना होता है, और उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, मतलब नीचे आना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट ग्रीन पिन का, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से टैप कर देना होता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कैसे डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ओटीपी जनरेट करना होता है, ओटीपी पाना होता है, और वो ओटीपी आपको कैसे मिलेगा, तो आपको अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर से एक एसएमएस करना होता है। एसएमएस क्या करना होता है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, और किस नंबर पर एसएमएस करना होता है वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये एसएमएस करना है, और एसएमएस करने के बाद आपको वेट करना है कि आपको उधर से ओटीपी रिसीव हो। जब आपको ओटीपी मिल जाएगा पिन जनरेट करने के लिए, तब आप ये पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ओटीपी रिसीव होने के बाद जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यही एक दिक्कत मुझे इसमें लगती है कि ओटीपी बहुत कभी कभी को लेट आता है, बहुत देर लग जाती है। तो बहरहाल अगर आपको ओटीपी रिसीव हो जाए तो इसके आगे का प्रोसेस आपको करना ये है कि अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो आइए अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं हम अपना। तो हमने अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया है, अब कंटिन्यू पर टैप कर देना होता है। अब इसके बाद हमें अपने कार्ड की डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे कि कार्ड नंबर यहाँ पे, तो वो सब डिटेल्स आपके कार्ड पे मौजूद होती हैं। हमारे पास ये वाला कार्ड है, इसकी अनबॉक्सिंग भी हमने कर रखी है, तो वीडियो आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा, आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो सारे नंबर्स वगैरह सारी डिटेल्स इस कार्ड के पीछे हैं, और बाकी कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जिन पे सारी डिटेल्स आगे ही होती हैं। सबसे पहले तो कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद ये एक्सपायरी डेट, फिर उसके बाद जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होता है वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करके कंटिन्यू पे टैप करना है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखते हैं, पहले तो ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें अपना न्यू पिन एंटर करना होता है ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे उसी पिन को दोबारा से एंटर करना होता है कंफर्मेशन के लिए। तो आइए हम अपना न्यू पिन एंटर कर लेते हैं।
तो हमने अपना पिन एंटर कर लिया है एटीएम पिन, अब सबमिट पे टैप कर देते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, सक्सेस योर डेबिट कार्ड पिन हैज़ बीन सेट, प्लीज़ डू नॉट शेयर इट विद एनीवन। तो हमारे जो डेबिट कार्ड का पिन है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। इस तरह से हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए से पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड या फिर आप कहिए एटीएम कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड का एटीएम पिन ऑनलाइन जनरेट करने का पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।